अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान से आईएएस अफसर ने पूछा सवाल। गुटके की पीक से रंगीन हुआ हावड़ा ब्रिज। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज द्वारा पान मसाले का विज्ञापन किए जाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त डिबेट चल रही है। अजय देवगन के बाद अमिताभ बच्चन और अभी हाल ही में अक्षय कुमार ने भी पान मसाले का ऐड किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। हालांकि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार फैंस से इस तरह की ऐड के लिए माफी मांग चुके हैं और आगे ऐसे ऐड नहीं करने का वादा भी किया है। अक्षय कुमार ने ये भी कह डाला कि इस ऐड से कमाया हुआ पैसा वो डोनेट कर देंगे। शाहरुख खान और अजय देवगन से ज्यादा अक्षय कुमार लोगों के निशाने पर रहे, क्योंकि अक्षय का एक पुराना वीडियो सुर्खियों में आ गया था, जिसमें वो सुने गए थे कि वो कभी भी पैसों के लिए किसी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करेंगे जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो। यही वजह बनी है कि अजय और शाहरुख से ज्यादा अक्षय कुमार को ट्रोल किया गया। अभी ये मामला शांत हुआ भी नहीं था कि एक आईएएस अफसर ने सोशल मीडिया पर गुटखा और पान मसाले से जुड़ा बड़ा मुद्दा उठाते हुए इन सेलिब्रिटीज से सवाल किया है। अवनीश शरण नाम के इस आईएएस अफसर ने गूगल को क्रेडिट देते हुए हावड़ा ब्रिज की तस्वीर शेयर की है, जिसके एक पिलर पर ढेर सारा गुटखा लोगों के द्वारा थूका गया है। लोगों के बार बार एक ही जगह पर थूके जाने से इस पिलर का रंग भी पूरी तरह बदल कर लाल हो गया है। आईएएस अफसर ने सेलिब्रिटीज को टैग करते हुए ये तस्वीर शेयर की और अपने ट्वीट में पूछा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का कहना है कि गुटखा थूके जाने की वजह से 70 साल पुराना ये आइकॉनिक ब्रिज जंग लगकर बर्बाद हो रहा है। हावड़ा ब्रिज पर गुटखा चबाने वालों का हमला हुआ है। इसके एक दिन बाद आईएएस अफसर ने हावड़ा ब्रिज की एक और तस्वीर शेयर की, जिसमें खंभों पर उसी के मैचिंग कलर की शीट लगाई जा रही है, ताकि लोग वहां गुटखा थूक कर इसे बर्बाद ना कर दे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अफसर ने लिखा, देखिए गुटखा प्रेमियों की सुविधा के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कितना बढ़िया उपाय किया है। अब गुटखा थूकने वालों को कोई अपराध बोध का सामना नहीं करना होगा। साथ ही पुल की रक्षा भी गुटखे की हानिकारक केमिकल से की जा सकेगी। अपने ट्वीट में भी आईएएस अफसर ने सेलिब्रिटीज को टैग किया है। दोनों ही ट्वीट्स पर हालांकि इन सुपरस्टार्स का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन जरूर दिए हैं। किसी ने जहां सेलिब्रिटीज द्वारा इस तरह की चीजों का ऐड करने को गलत बताया है, वहीं किसी ने कहा है कि चीजों का इस्तेमाल लोगों की चॉइस है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, महोदय पूरे सम्मान के साथ हमारे सिस्टम में फिर से सुपर डुपर गलती है। क्यों वाइन बेचने वाली कंपनी अचानक सोडा बनाना शुरू कर देती है और उसका विज्ञापन करती है? गुटखा को इलायची के रूप में एक ही नाम से क्यों विज्ञापित किया जाता है? एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जुर्माना लगा देना चाहिए सरकार को गुटखा थूकने वालों पर। कम से कम जीडीपी में योगदान तो कर पाएंगे गुटखा प्रेमी। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।